हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी गुरु में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मैच की, जो सेकंड ओडीआई मैच है इन दोनों टीम्स के बीच में। जो पहला ओडीआई मैच हुआ था उसे इंग्लैंड ने विन कर लिया था। तो आज का जो मैच है दोस्तों ये होना है कार्डिफ ग्राउंड स्टेडियम में, और आज का जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा देखा ग्राउंड और स्टेडियम की वजह से आज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टीम बनानी पड़ेगी ग्राउंड और पिच की कंडीशन के हिसाब से। तो आज का वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कल के वीडियो की बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया था, तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वुमेंस के बीच में जो मैच है उसमें लॉरा वैनफील्ड और डेनियल हेजल नहीं खेलने वाले हैं, और ये न्यूज़ आपको और कोई भी चैनल पर नहीं मिली होगी। और आपने देखा भी होगा कि लॉरा वैनफील्ड और डेनियल हेजल नहीं खेले थे क्योंकि स्क्वाड में ही नहीं थे, वो स्क्वाड छोड़ के जा चुके थे अपने डोमेस्टिक टीम्स के साथ खेलने के लिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देने वाला हूँ, उसके लास्ट में आपको प्लेइंग इलेवन दूंगा। तो आप ज़रा न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से आज देख लीजिए, क्योंकि प्लेइंग इलेवन आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है। जो स्टैट्स और जो पिच की कंडीशन आपको बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैच होना है वो सोफिया गार्डन कार्डिफ में होना है, और आज दोपहर में 3:30 बजे मैच स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और पिच की बात की जाए तो पिच मानी जा रही है कि बैटिंग के लिए फ्रेंडली नहीं रहेगी, और पिच थोड़ी स्लो रहेगी जिस वजह से बैटिंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है और बॉलर्स को थोड़ा हेल्प मिल सकती है। ऐसी बातें न्यूज़ में निकल कर आ रही हैं, पर रियलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के लास्ट में। ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखा जाए इंग्लैंड के खिलाफ, तो लास्ट के 10 से 12 मैचेस देखे जाएँ तो 12 मैचेस में से सिर्फ 3 ही मैचेस ऑस्ट्रेलिया विन कर पाई है इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड का पलड़ा स्टैट्स में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भारी है। और मैं आपको रिकॉर्ड बता दूँ पिच का, जो रिकॉर्ड आ रहा है दोस्तों न्यूज़ में और जो दूसरे यूट्यूबर्स बता रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड बता रहे हैं जो न्यूज़ में आ रहा है या स्टैट्स दूसरी साइट्स दिखा रही हैं, क्योंकि जो साइट्स हैं वो इंटरनेशनल मैच कंपेयर कर रही हैं, जो यहाँ पे इंडिया के हुए थे 2016 में 17 में बांग्लादेश ने मैचेस खेले थे कार्डिफ में, उनके स्टैट्स दिखा रही हैं, और उन मैचेस में थोड़े से स्पिनर्स हावी रहे थे। और जो आपको स्टैट्स देखने चाहिए उस करंट स्टैट्स देखने चाहिए, तो करंट स्टैट्स देखे जाएँ तो रॉयल लंडन कप में अब तक 3 से 4 मैचेस खेले गए हैं कार्डिफ में, और वहाँ पे आपको स्टैट्स बता दूँ तो नियर अबाउट जितने भी टीमों ने अब तक बैटिंग की है 3 से 4 मैचेस में 273 प्लस स्कोर किया है। अब इससे आप देख सकते हो 273 प्लस स्कोर हो रहा है, यानी बैटिंग पैराडाइज नहीं है तो क्या है, लोग कर रहे हैं रन्स नहीं बन पाएंगे, पर 270 टीम स्कोर कर रही है, यानी अच्छी बैटिंग आपको देखने को मिलेगी। और बात की जाए स्पिनर्स की, तो जितने विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ने लिए हैं उतने ही विकेट यहाँ पर फास्टर बॉलर्स ने लिए हैं, यानी कोई स्पिनर फ्रेंडली पिच नहीं रहेगी, कुछ इस तरह का नहीं है कि बैट रन्स कम बनवाएंगे। आप रिकॉर्ड उठा कर देख सकते हैं रॉयल लंडन कप्स के, जब भी फ़िलहाल मैं कहूँगा 20-15 दिन पहले मैचेस हो चुके हैं कार्डिफ के सेम पिच पर, तो आपको 6 महीने 1 साल पहले के रिकॉर्ड उठा कर देखने की ज़रूरत नहीं है, पिच काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो पिच यहाँ पर आपको 270-280 रन बनते हुए दिख जाएंगे। और विकेट्स की बात की जाए तो फास्ट बॉलर और स्पिनर सेम अमाउंट की विकेट लेंगे, कोई भी बहुत ज़्यादा हावी नहीं रहने वाला है। तो अब बात करते हैं प्लेइंग इलेवन की, जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन होती हो सकती है उसमें आपने पिछले मैच में देखा होगा उनके जो बैटिंग ऑर्डर था वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था टॉप बैटिंग ऑर्डर। तो अगर आप चेंज होते हुए कुछ देख पाओगे तो उसमें ये देख पाओगे कुछ एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो सकते हैं डेक एरिस शॉट। अगर टीम चाहेगी कोई बॉलिंग में चेंज करना यहाँ पे ला सकती है, और डेक एरिस शॉट के साथ टीम नहीं जाती है और सेम प्लेइंग इलेवन के साथ जाती है सेम ओडीआई में थी, तो यहाँ पे एक चेंज कर सकती है। यहाँ पे केन रिचर्डसन को निकाल के जो पिछले मैच में खेल रहे थे जेन रिचर्डसन को ला सकते हैं, जैसी न्यूज़ आ रही है पिच थोड़ी स्लो है तो जेन रिचर्डसन उस पिच से थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, पर ज़्यादातर चांस में 70% चांस है कि टीम डेक एरिस शॉट के साथ जाएगी। और जो 10 के 10 प्लेयर हैं दोस्तों ये वाले डाउन वाले ये ऑलमोस्ट सेफ रहने वाले हैं, डेक एरिस शॉट के 70% चांस हैं और जेन रिचर्डसन के 30% चांस हैं। और केन रिचर्डसन खेलेंगे ये मैच, ये ऑलमोस्ट मैं बहुत ही कम चांस हैं केन रिचर्डसन को चांस दिया जाएगा। तो प्लेइंग इलेवन की बात कर लेते हैं, ओपन करते हुए आपको डेक एरिस शॉट और ट्रेविस हेड दिख जाएंगे, उसके बाद एरोन फिंच, शॉन मार्श, मार्कस टोनी, ग्लेन मैक्सवेल, टिम पेनी, अस्टन असगर, बेल स्टेनलेक, माइकल नीसर और एंड्रू टाई हो सकती है प्लेइंग इलेवन। और अभी कुछ दूसरे स्कॉट्स की बात करूँ दोस्तों, ट्रेविस हेड और मार्कस टोनिस की बात करूँ
तो ट्रेविस शेड और मार्को स्टोनिस के जब पिछले मैचेस देखोगे रॉयल लंडन कप के या फिर एबनॉर्मल इलेवन के, तो उसमें ट्रेविस शेड और मार्को स्टोनिस कुछ बॉलिंग ज़रूर कराते थे अपनी टीम की तरफ से, 204 और बॉलिंग कराते थे और 102 विकेट भी निकालते थे, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते थे। पर ऑस्ट्रेलियन इन सब तक आप देखा जाए प्रैक्टिस मैचेस देखा जाए, दो प्रैक्टिस मैच खेले गए हैं दोनों ने, और ये जो एक मैच खेला गया इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसे तीन मैच में इनसे बॉलिंग नहीं कराई। तो अगर आप ट्रेविस हेड और मार्कस स्टोन को पिक कर रहे हैं तो ऐसे बैट्समैन ही पिक कीजिएगा, ऐसा ऑलराउंडर मत देखिएगा। और बात की जाए ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल आपको 6 नंबर पर दिखाई दे रहे हैं और टिम पेनन 7 नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। पर अगर आपको इस बार फिर जल्दी विकेट गिरते हुए दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो टिम पेन खुद को प्रमोट करें, क्योंकि टिम पेन ऐसे कैप्टन हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ग्लेन मैक्सवेल ऐसा हिटिंग खेलते हैं, और मैं उनके ऊपर इसलिए प्रमोट किया था खुद को कि अगर मैं पहले जाता हूँ कुछ समय बिता पाता हूँ, तो मैच जैसे ही एंड होने आएगा तो ग्लेन मैक्सवेल अगर आते हैं तो अपना नेचुरल गेम खेल पाएंगे, इसलिए टिम पेन ने खुद को प्रमोट किया था। तो आज फिर अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो आपको ग्लेन मैक्सवेल डाउन द ऑर्डर आते दिख जाएंगे, टिम पेन खुद को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते ग्लेन मैक्सवेल अपना नेचुरल जो तरीका है खेलने का, बिग हिटिंग लगाने का, वो खोएं। ये होगी बात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के साथ साथ चांस है कि वो जाएंगी अनचेंज जो प्लेइंग इलेवन पहले मैच में थी वही प्लेइंग इलेवन के साथ जा सकती है। अगर कोई एक चेंज हो सकता है तो हो सकता है मार्कवुड की जगह पे टॉम करन खेल जाए, इसके चांसेस मैं कहूँगा 40% चांस कि ऐसी चीज़ हो जाए, मार्कवुड की जगह पे यहाँ पे खेले टॉम करन जो थोड़े किफ़ायती नहीं रहे थे, मार्कवुड थोड़ी लेंथ से भटक रहे थे, तो शायद मार्कवुड यहाँ पे रिस्क आपके लिए हो जाएंगे स्मॉल लीग के लिए। तो अब बात करते हैं प्लेइंग इलेवन की, तो जॉनी ब्रैडशॉ और जेसन रॉय आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, उसके बाद एलेक्स हेल, जो रूट, यन मॉगन, जॉश बटलर, डेविड विलियम, मोइन अली, लैम प्लंकेट, आदिल राशिद और मार्कवुड, ये सकते हैं प्लेइंग इलेवन। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे दोनों ही टीम से, यहाँ पर जॉनी ब्रैडशॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उसके बाद यन मॉगन और जो रूट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए डेविड विलियम, ये 3 से 4 प्लेयर और लैम प्लंकेट ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है। जेसन रॉय की बात की जाए तो पिछले 10 से 12 मैचेस देखे तो उन्होंने 10 से 12 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच ऐसा था जिसमें 100+ स्कोर किया है, तो जेसन रॉय का फॉर्म ख़राब चल रहा है तो स्मॉल लीग में आप इन्हें पिक मत कीजिएगा। अब इंग्लैंड की तरफ से बेस्ट प्लेयर की बात की जाए जिनका फॉर्म कंटिन्यूसली प्रेजेंट में अच्छा चल रहा है वो है ऐसे एंड्रू टाइग ले सकते हैं आप, मार्कस टोनी, ट्रेविस हेड और एरन फिंच। ग्लेन मैक्सवेल पिछले अच्छा परफॉर्म जरूर किया था पर मैं कंटिन्यूस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ट्रेविस हेड ने रॉयल लंडन कप में काफ़ी सेंचुरीज लगाई हैं, प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी लगाई है, मार्कस टोनी ने एबनॉर्मल 11 के जब कैप्टन थे 2-3 सेंचुरी लगाई थी और प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी लगा चुके हैं। एंड्रू ट्राय ने IPL में अच्छा परफॉर्म किया था और फर्स्ट मैच में भी एक ओवर मेडन डाला था, 2 विकेट भी निकाले थे, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और बेल स्टेनले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, तो आज जब आप ड्रीम इलेवन टीम बनाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है ऐसे ऑलराउंडर्स में, क्योंकि ऑलराउंडर जितने भी दिए गए हैं सभी बेस्ट ऑलराउंडर्स इस टीम में अवेलेबल हैं। तो बात करते हैं विकेट कीपर की, यहाँ पर जॉश बटलर और टिम पेन का विकेट कीपर ऑप्शन अवेलेबल है, पर मैं यहाँ पर टिम पेन के साथ जाना चाहूँगा कि ज़्यादा चांसेस है कि टिम पेन की बैटिंग आ पाए, जॉश बटलर की शायद बैटिंग ना आ पाए, तो जॉश बटलर के साथ मैं जाना नहीं चाहूँगा। टिम पेन की बैटिंग आती है 15 से 20 रन बनाए तो आपको जॉश बटलर से अच्छे पॉइंट दे पाएंगे। अब बात करते हैं बैट्समैन की, तो मैं 4 बैट्समैन के साथ गया हूँ, जो रूट, यन मॉगन, शॉन मार्क्स और जॉनी ब्रैडशॉ के साथ गया हूँ। आपके पास जो ऑप्शन बच जाते हैं उसमें एरन फिंच, एलेक्स हेल, ग्लेन मैक्सवेल और डेक हैरिस शॉट, जेसन रॉय, एलेक्स करके मैं 5 से 10% चांसेस है खेलने के डेक हैरिस शॉट की जगह पे, बट बहुत ही कम चांसेस हैं। तो आपको बता दूँ आपको जो रूट और यन मॉगन को क्यों पिक करना चाहिए, ये पिच है दोस्तों उस पर खुल कर नहीं खेला जा सकता, यानी ऐसा नहीं है कि आप आएंगे चौके छक्के लगाएंगे अच्छा स्कोर कर जाएंगे। जो रूट जो यन मॉगन है वो कुछ राहुल द्रविड़ की तरफ से खेलते हैं, यानी हर बॉल पे चौका छक्का लगाने की नहीं देखते हैं, विराट कोहली जैसे खेलते हैं, ज़्यादातर बाउंड्रीज और सिंगल्स में बिलीव करते हैं, तो यन मॉगन और जो रूट इसलिए आज फिर आपको सक्सेसफुल होते दिख जाएंगे। ये बात की जाए एलेक्स हेल की, ग्लेन मैक्सवेल और फिंच की, ये हिटिंग में बिलीव करते हैं तो शायद आपको आज फिर आउट होते दिख जाएंगे, क्योंकि पिच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रह सकती है बैट्समैन के लिए अगर वो चौके छक्के लगाने जाते हैं, और आराम से खेलोगे तो आप सेंचुरी भी बना सकते हो इस ग्राउंड पे। अब बात की ऑलराउंडर्स की,
तो ऑलराउंडर्स में मैं गया हूँ यहाँ पे मार्कस टोनी, ट्रेविस हेड और मोइन अली। मार्कस टोनी और ट्रेविस हेड ऐसे बैट्समैन खेल रहे हैं, ऐसे ऑलराउंडर नहीं खेल रहे हैं, उनसे बॉलिंग नहीं कराई जा रही है। आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। डेविड विले अगर काफ़ी डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं इंग्लैंड की तरफ से, तो शायद इनकी बैटिंग आज ना पाए। एस्टोनस अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऐसे स्पिनर हैं, उनकी टीम की तरफ से सिर्फ एक ही स्पिनर है और इनसे 10 ओवर का कोटा ज़रूर पूरा कराया जाएगा, तो आप एस्टोन अजहर के साथ ज़रूर जाइएगा। आप एक अदर प्लेयर यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, पर ट्रेविस हेड और मार्कस टोनी का फॉर्म बहुत अच्छा है और मोइन अली ऐसे स्पिनर खेल रहे हैं टीम की तरफ से, तो मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहूँगा। आप किसी और प्लेयर को यहाँ से ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो, क्योंकि तीनों में से कोई भी तीनों के तीनों नहीं चलने वाले। आप दूसरे ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो अगर आप 2 से 3 टीम लगा रहे हो। बात की जाए बॉलिंग की, तो बॉलिंग में मैं यहाँ से गया हूँ आदिल राशिद, बेल स्टेनलेक और लैम प्लंकेट, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एंड्रू टाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पिछले मैच में एक मेडल ओवर भी डाला था जिससे आपको अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। उनकी इकोनॉमी भी बहुत ही कम थी जिससे आपको इकोनॉमी के पॉइंट भी मिल जाएंगे, तो एंड्रू टाई के साथ आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी इकोनॉमी रखते हैं, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कराते हैं, भले विकेट लें या ना लें आपको इकोनॉमी से पॉइंट ज़रूर दिला देंगे। यहाँ पर नेथन लॉ की बात की जाए तो नेथन लॉ स्क्वाड में नहीं खेल रहे हैं। केन रिचर्डसन के बहुत कम चांसेस खेलने हैं, मार्कुड 60-70% चांस से खेल जाए पर थोड़े रिस्की हो जाएंगे। माइकल नेसर के खेल के 100% चांस से बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। और जेन रिचर्डसन की बात की तो ये आपके ग्रैंड लीग का ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि चांसेस हैं खेलने के, पिच की कंडीशन देखा जाए तो जेन रिचर्डसन के चांसेस बन जाते हैं खेलने के। जैक बॉल के कोई चांसेस नहीं, टॉम करन लिया जा सकता है अगर टीम चाहे तो, मार्क यहाँ पर पिक करना बहुत ही कम चांसेस हैं, पर अगर कोई चेंज करना चाहेगी इंग्लैंड की टीम तो यहाँ पर कर सकती है, मार्कवुड की यहाँ पर टॉम करन को खिला सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, मैं अपनी टीम पहले सेव कर लेता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन हमने रैंडमली किसी बना दिया है। अब बात करता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन देख सकते हैं, स्मॉल लीग खेल रहे हो, टियन मॉर्गन बेस्ट ऑप्शन रहे हैं ऐसे कैप्टन के, और वाइस कैप्टन आप ट्रेविस हेड, मार्कस टोनी और मोइन अली किसी से भी बना सकते हो, जो ऑलराउंडर से काफ़ी अच्छे आपको पॉइंट दे सकते हैं। अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड लीग के ऑप्शन की, तो ग्रैंड लीग के लिए आपके बहुत ही अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। यहाँ पे टिम पेन का स्कोर करने का चांस बहुत ही कम है, बहुत कम लोगों ने पिक करने वाला है, कैप्टन तो शायद कोई भी बनाने वाला है, तो टिम पेन का चांसेस बहुत ही कम है चलने के, 5% चांसेस चलने के, और बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे इसके, क्योंकि कैप्टन तो कोई भी नहीं बनाने वाला। यहाँ पर शॉन मार्श बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा ऐसे वाइस कैप्टन। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों।